पहली बात तो ये कि स्टूडेंट इट इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। आयनिक हाइड्राइड्स को क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स आर एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन होगा और उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ मौजूद होगा, द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट विद द हाइड्रोजन इन द आयोनिक हाइड्राइड belongs to group 1A या फिर group 2A elements। ठीक है, लेकिन group 2A के जो elements हैं वो beryllium है, magnesium है, calcium है, strontium है, barium और radium। तो group 2A के elements में student दो element आप exclude कर देंगे, number one is beryllium और second one is magnesium। ठीक है, so all the elements जो कि आपके पास group 1A के अंदर मौजूद हैं periodic table में जिन्हें आप alkali metals कहते हैं, और group 2A के जितने भी elements हैं जिन्हें आप alkaline earth metal कहते हैं except the beryllium और magnesium, जब hydrogen के साथ combine होगी students तो जो hydride बनेगी that hydride is simply called the ionic hydride। ठीक है, अच्छा group 1A के elements में आपके पास कौन कौन सी यहाँ पर examples हैं? जैसे कि group 1A में आपके पास elements हैं ना, lithium होता है आपके पास, sodium है student आपके पास, पोटेशियम है आपके पास, ठीक है, रुबिडियम है आपके पास, ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे के एलिमेंट्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है जिसे आप छोड़ दें, उसके बाद आपके पास बारी आएगी कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है आपके पास, बेरियम है और रेडियम भी आपके पास रेडियो एक्टिव है, तो उसे भी हम यूजुअली तौर पर डिस्कस नहीं करते। तो ये वो एलिमेंट्स है जब हाइड्रोजन के साथ जब ये कनेक्ट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट हाइड्रोजन का, वो बाइनरी कंपाउंड आपके पास कौन सी हाइड्राइड कहलाएगा? आयोनिक हाइड्राइड कहलाएगा। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर आपके पास लिथियम है या सोडियम है, तो लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो इसके ऊपर फॉर्मूला जिसका बनेगा वो बनेगा LiH, सोडियम जब कनेक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ तो फॉर्मूला होगा NaH, पोटेशियम जब कनेक्ट होगा तो बन जाएगा KH, रुबिडियम जब कनेक्ट होगा तो बन जाएगा RbH। ठीक है, इसी तरह से जब कैल्शियम कनेक्ट होगा तो फॉर्मूला बनेगा CaH2, स्ट्रॉन्शियम जब कनेक्ट होगा तो बनेगा SrH2 और बेरियम जब कनेक्ट होगा तो फॉर्मूला बनेगा BaH2। मतलब जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन जब उनके साथ कनेक्ट हो रहा है सो बोथ आर यूजिंग ओनली वन वन एटम्स ऑफ ईच अदर। सो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, ग्रुप 1A वाले जो एलिमेंट्स हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे तो सिर्फ वन एटम ऑफ अ ग्रुप 1A एलिमेंट और हाइड्रोजन, जिसमें मेटल में चार्ज होगा +1 और हाइड्रोजन पर चार्ज होगा -1। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अगर मैं देखूँ तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा जैसे CaH2SrH2, इनका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा MH2, जिसमें मेटल पर चार्ज होगा +2 और हाइड्रोजन एक पर चार्ज है -1, और टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे स्टूडेंट्स आपके पास? 2 हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अब ये प्रिपेयर किस तरह से की जाती है स्टूडेंट्स? प्रिपेयर करने से पहले तो मैं आपको आयोनिक हाइड्राइड्स को और मजीद थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आयोनिक हाइड्राइड्स को हम और क्या कहते हैं स्टूडेंट। आयोनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सही है, दूसरा जो नाम इसका है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। और आयोनिक हाइड्राइड जो है उसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, तो और आयनिक हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, पहले हम इस वजह को देखते हैं तो फिर हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड वाली बात को भी क्लियर कर लेंगे। आयनिक हाइड्राइड या किसी भी हाइड्राइड को उसके हाइड्राइड कहने की वजह ये है, जैसे यहाँ पर अगर आयनिक का वर्ड मौजूद है इट मीन्स के यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है किसके दरमियान? मेटल एटम और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड आपके पास मौजूद है स्टूडेंट, दिस बॉन्ड इज प्योरली द आयनिक बॉन्ड। This bond is purely the ionic bond. It means के जब group 1A के element lithium, sodium, potassium या rubidium आपके पास, ठीक है, या cesium आपके पास जब hydrogen से connect होगा, ये calcium, strontium, barium जब hydrogen से connect होगा, इसके दरमियान जो bond बनेगा student, that bond is purely the ionic bond. That's why we call them as the ionic hydride.
ठीक है। अच्छा अब दूसरी वजह इन्हें हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड इसलिए कहते हैं बिकॉज आपके पास ये रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड होते हैं, दे आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड, ठीक है। जैसे कि सॉलिड रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट नहीं होते, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं ना, एक रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो जाते हैं, दूसरे रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट नहीं होते। तो जो सॉल्ट्स होते हैं इस नेचर के अंदर तुरंत रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड्स एवेपोरेट नहीं होते, तो ये भी आपके पास रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट नहीं होते, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड्स। और जो इनका जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल सॉल्ट की तरह होती है, इनका जो टेस्ट होता है एज वेल एज इनका आपके पास जो स्टूडेंट सॉल्ट की तरह का होता है, ठीक है। अच्छा इन्हें जो है आयोडीन हाइड्राइड का एक और एक नाम भी स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं सेलाइन लाइक हाइड्राइड, जिसका नेचर स्लाइटली बेसिक होगा आपके पास, तो इन्हें जब वाटर के साथ मिक्स किया गया तो जो सॉल्यूशन बना दैट इज एक्चुअली अ सेलाइन सॉल्यूशन दैट वी यूज एज सेलाइन सॉल्यूशंस, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं सेलाइन लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इनके अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन गैस होती है स्टूडेंट उसे हम पास करते हैं हॉट अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल पर, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल ले लूं सोडियम मेटल की, ठीक है, उसके साथ मैं हाइड्रोजन को पास आउट करूं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास जो हाइड्राइड बनने की दैट इज 2NaH, और यहाँ पर दो सोडियम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो कैल्शियम ले लूँ, ठीक है, कैल्शियम को अगर मैं यहाँ पर यूज आउट करूँ, तो कैल्शियम को यूज करने से एक ही कैल्शियम मेटल की जरूरत पड़ेगी जो कि दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्राइड बनेगी दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है जनरल प्रिपरेशन ऑफ द आयोडीन हाइड्राइड। इसे हम जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल इस तरह से लिखेंगे कि ग्रुप वन ए का कोई भी मेटल हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम या फिर सीजियम, उसके दो एटम आपको चाहिए होंगे, ठीक है, और वो किसके साथ कनेक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रखना होगा, और यहाँ पर उसके दो मोल्स आपके पास बन जाएंगे, यहाँ पर ग्रुप वन ए का कोई भी मेटल होगा और हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है। ग्रुप टू ए के जो एलिमेंट जैसे कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम आपके पास है, वो क्या होगा आपके बस उनके एक ही एटम की जरूरत पड़ेगी जो कि H2 के साथ कनेक्ट होगा, और टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आपके पास वो मेटल हाइड्रोजन दो के साथ क्या हो जाएगा कनेक्ट। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखी, जितनी भी आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कह दिया कि भाई लिथियम हाइड्राइड बनाओ, ठीक है, आपके पास आपको कह दिया सोडियम हाइड्राइड बनाओ, पोटेशियम बनाओ, रुबिडियम बनाओ, तो आपने क्या करना है यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम या फिर रुबिडियम को प्लेस करना है, और जो मेटल यहाँ लिया यहाँ पर भी उसी को प्लेस कर दोगे, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा 200 डिग्री सेल्सियस डालते हैं, आपको थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट जब आपके कोर्स में ऑलरेडी उसने दिया ही नहीं है लेकिन आपसे पूछ के, तो फिर आपने क्या करना है जो यूज को टेम्परेचर आप इस्तेमाल करते रहे हैं अपने यूज करना है। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बाद में आपको कह दिया बेरियम हाइड्राइड क्लियर करके दिखाओ, हमने यहाँ लेना बैरियम, यहाँ लेना एच टू, यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, आप 200 ही ले लीजिएगा क्योंकि आप जनरली वही सीख करके आए ना, यहाँ पर जो आपको बताया उसने बच्चे का तो टेम्परेचर भी नहीं बताया, कहाँ तो जरूरी है कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इसी तरह से अगर बैरियम बोला तो यहाँ दीजिए एच टू आप लिख देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने जो है आयोडीन हाइड्राइड को एक्सप्लेन किया आपके साथ और उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस की, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे आयोडीन हाइड्राइड को फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है, जिसमें उसके मैं कुछ यूजेस भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, और उसकी कुछ यूजेस भी इंशाल्लाह, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।